हेलो डियर फ्रेंड, मिस्टर प्लास्टिक एलएलपी यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं हूं आपका मिस्टर प्लास्टिक। ओके, आज भी मैं एक फ्रेशर वैकेंसी लेके आया है फ्रेशर लोग के लिए, ओनली फॉर सीपेटियन। सीपेटियन जो डीपीएमटी, पीजीडी, पीपीटी और जो पीपी, क्या ऐसे डीपीएमटी, डीपीटी, पीजीडी, पीपीटी, ओके, इन लोग के लिए जो फ्रेशर है, जस्ट पास आउट हुए और किसका 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ है, वो अपने को सोचता है कि मैं इंजीनियर है, मैं वो है सीपेट करके, तो उनके लिए मैं और थोड़ा उनको और इंजीनियर बनाने के लिए मैं अच्छा एक स्कीम लेके आया है। ओके, मतलब यूएई के लिए और दुबई के लिए, सऊदी के लिए, जो भी है आपको अप्लाई करना है मेरे थ्रू, तो मैं आपको अच्छा कंपनी दे सकूँगा। ओके, चलो वीडियो चालू करते। क्या है वैकेंसी, क्या है ड्यूटी आवर और क्या फैसिलिटी है और आपको करियर में क्या हेल्पफुल होगा कि नहीं, और इसी टाइम में आपको विदेश जाना है नहीं जाना है, जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एवरीथिंग मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ओनली 5 मिनट का वीडियो है, अब ज़्यादा नहीं है। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते। ओके, डीपीटी, डीपीएमटी, पीजीडी, पीपीटी फ्रेशर लोग के लिए, आप इंडिया से विदेश आ जाओ आपके लिए सही है। ओके, सेम मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया कि फ्रेशर लोग विदेश आएंगे तो क्या फ़ायदा है, ऑलरेडी आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सो, फिर भी मैं सीपेटियन लोग के लिए बताऊंगा। देखो, इंडिया में अभी आप कोई भी कंपनी में काम करते हो तो जस्ट कंपनी में जैसे न्यूली ज्वाइन होते हो तो आपको बहुत सारी गाली सुनना पड़ता है सीनियर वाला, और जो वहाँ पे जो इंचार्ज होंगे उन लोग बहुत गाली देंगे, ए तुम लोग क्या कॉलेज में पढ़ाई करके आया, कुछ आपको मालूम नहीं है ये। देखो, पढ़ाई किया आपने, सब कुछ किया, लेकिन काम में बहुत डिफरेंस है। ओके, तो आपको मोल्ड चेंज में डालेंगे, डिफ्लेसिंगर में डालेंगे, मोल्ड लोडिंग करो, मटेरियल लोडिंग करो, अनलोड करो, कलर चेंज करो, थोड़ा भी किसी में बाईपास कर दिया तुमने, फ्लास पीस या कटिंग शॉर्ट मोल्डिंग वाला कोई पार्ट आपने पास कर दिया, उसमें गाली है, फिर तुम्हारा ये बनाएंगे, मेनू बनाएंगे कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, तुम्हारा इतना काट देंगे, गाली देंगे, वो तो आप लोग भी गुस्सा आता होगा। तो आप सोचो, वही गाली सुन सुन के आप 10-12 हज़ार कमाओगे, उससे वही गाली सुन के आप विदेश में क्यों एक्सपीरियंस नहीं लेना है, वो भी डबल सैलरी में। आप इंडिया में जिसकी अंडर में भी काम करोगे, जो भी कंपनी में काम करोगे, मुझे जितना मालूम है मेरा एक्सपीरियंस, एक सीपेटियन लड़का 1 ईयर एक्सपीरियंस के अंतर मिनिमम 2 कंपनी या 3 कंपनी चेंज करता है, क्योंकि उनको आदत नहीं है। 1-2 साल के बाद वो सही हो जाते, एक ही कंपनी टिक कर रहते, बट 1 साल में उन लोग मिनिमम 2-3 कंपनी चेंज करते। इसमें आप कौन ऐसे ही जॉब चेंज किया मुझे कमेंट में बताओ, मजा आएगा। ओके, तो मुझे बताओ, आप जो सीपेटियन है ना, जो फ्रेशर है, आप अभी इंडिया में जाके फ्रेशर में काम करने से अच्छा है आप बेहतर होगा दुबई आ जाओ, सऊदी कोतर मेरा प्लास्टिक में वैकेंसी में डालते हो। फ्रेशर जॉब भी आता है, असिस्टेंट ऑपरेटर, ट्रेनिंग ऑपरेटर, ऐसे वैकेंसी है। ओके, इसमें क्या है, थोड़ा सैलरी बहुत कम है, सेम सेम आप पकड़ लो हेल्पर सैलरी, लेकिन आपको ट्रेनिंग ऑपरेटर ले रहा है तो ट्रेनिंग ऑपरेटर का काम देंगे। ओके, जैसे वहां पे सीनियर ऑपरेटर होगा उनके अंडर में आपको रहना है, जैसे आप इंडिया में काम करोगे। ओके, तो आप बताओ, विदेश आना अच्छा है कि दुबई, मतलब इंडिया में काम करना अच्छा है? आप सीपेटियन है, आपके पास सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा, आप विदेश चले जाओगे तो 2 साल आपने मेहनत कर लिया, आप क्या काम कर रहे कोई नहीं देख रहा, ना फैमिली वाला देख रहा है, ना कोई फ्रेंड देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। आप फ्रेंड बोलेंगे, यार साला इधर ही तो था, चला गया दुबई, यार कैसे गया, वहाँ पे तो उसका तो लग लग गया, लेकिन उसको मालूम है दुबई में आके वो क्या कर रहा है, कितना सैलरी में वो मर रहा है, सड़ रहा है। ओके, तो 1-2 साल वो मेमोरियल बुल रहेगा सबके लिए, क्योंकि 1-2 साल जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत सारी हार्ड वर्किंग होता है, गाली सुनो, कपड़ा गंदा, पैंट शर्ट सब गंदा हो जाता है, इतना मेहनत, फिर ड्यूटी करके आगे थक जाओ। तो
उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास वैकेंसी रहता है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मेरा ग्रुप में आ जाओ, वहीं पे भी मैं कुछ डालता हूँ, नहीं तो वीडियो में आ जाओ, मेरा नंबर भी रहता है, आप डायरेक्ट कॉल करो कि फ्रेशर के लिए कुछ वैकेंसी है तो मैं देखूंगा। और ध्यान से, जो फ्रेशर के लिए अप्लाई करता है, प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो ड्रीमर होता है, जो साल हम दुबई जाएंगे, मैं डिप्लोमा किया है, मैंने ये किया, डिप्लोमा किया है सबको मालूम है, ओके, डिप्लोमा करके कोई रॉकेट साइंस पार्ट नहीं पढ़ा लिया, ओके, तो आपने डिप्लोमा किया ठीक है, लेकिन फ्रेशर के लिए यहाँ पे जो सैलरी, यहाँ पे जो मार्केट में जो सैलरी है, वही आपको कंपनी कोई भी वही ऑफर करेगा। यही फर्क है, आपको इंडिया में आपका खुद का रूम होएगा, खुद का खाना होता है, खुद की जाना आना कोई भी कंपनी में देता है, नहीं तो जो भी है ओके, बट यहाँ पे आपको ये सारी कंपनी पेरोल में मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट से लेके मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ओके, अकोमोडेशन हो गया, सारी सब कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगा, ओके। तो आप बताओ, इंडिया में एक्सपीरियंस लेना है, विदेश है, आप कॉलेज निकलो, पासपोर्ट बनाओ, सीधा मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं कोई भी कंपनी में आपको असिस्टेंट ऑपरेटर या नहीं तो ट्रेनिंग ऑपरेटर में करवा दूंगा, आराम से इंडिया से ज्यादा सैलरी में काम करो, 2 साल सीखो, 2 साल के बाद जॉब मारो दूसरी कंपनी, डायरेक्ट ऑपरेटर में, सीनियर ऑपरेटर में आप डायरेक्ट जॉब मारो। अभी एग्जाम्पल 1200-1300 सैलरी है, तो आप डायरेक्ट 2000-2200 में आप सैलरी आराम से कमा लोगे। तो मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा होता है तो आप वीडियो में कमेंट में मुझे बता, मुझे भी अच्छा लगेगा और वीडियो लाने के लिए। और आपका कुछ डाउट है किस रिगार्डिंग, आप मुझे पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल करो, बट दिन में कॉल करो, रात में नहीं, बाकी मैं आपको ट्राई करूंगा आपका क्या प्रॉब्लम है सॉल्व करने के, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, थैंक यू।